अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, मैं लालजान सरवरी, ठीक है, ये है वो तुम्हें। तो आज का ब्लॉग यही है कि हम क्या काम करते हैं, आज वो भी दिखाएंगे आपको। और बोर्ड देख लेना पहले, ये इसकी ये हालत है, अभी इसको रिपेयरिंग करेगा ये मंगी साहब आसिफ चाचा। शरीफ रहोगे तो दुनिया बदनाम करेगी, और बदनाम रहोगे तो दुनिया सलाम करेगी। मैंने सोचा आज ब्लॉग भी बना लूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं बनाया भी नहीं है। तो ये मुकम्मल बोर्ड जब तैयार करेंगे हम, तो उसकी भी वीडियो मैं आपको शूट करके दिखाऊंगा। ये पकड़, ये है, ये नल खराब है फिलहाल, धो रहे हैं। तो अगली जो मैंने वीडियो भेजी थी उसमें नहीं रिजल्ट अच्छा था, नहीं कोई चीज़ थी, नहीं वॉइस अच्छी थी, नहीं कैमरा। इंशाल्लाह इस मरतबा दोनों चीज़ों में एक चीज़ तो बेहतर मिलेगी आपको, ठीक है। अभी इतना ख़ास मोबाइल तो नहीं है मेरे पास, फिर भी उससे अच्छा ही है, जो भी है बस सही है। ये पहले ये मंगी साहब है, ये पहले पानी से वाश कर रहा है, इसकी सारी मिट्टी मिट्टी उतार रहा है, फिर इसको दे रहा है, ये सूखा कपड़ा लगा के इसकी जो भी मिट्टी मिट्टी उतार रहा है। तो ये इधर पड़े रहेंगे हाल फिलहाल, फिर ये इसको शैम्पू में हम धो के साफ करके, फिर इसको पानी में एक दफ़ा और नहला के साफ करके, फिर सूखा कपड़ा लगा के तो बॉडी के ऊपर लगाएंगे हम, ठीक है। अभी मैं वीडियो कट कर रहा हूँ, उधर वीडियो जब ये लगेंगे करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हो, ठीक है। ये इसकी लाइटिंग है, लाइटिंग कर दी है, और इसकी जो तारें बाहर नज़र आ रही हैं ये हमको छुपानी है, और इसकी सफाई होगी जब ये लग जाएगा, तब की वायरिंग भी दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। ये मेडल उधर दिखाए मैंने जो साफ़ हो रहे थे, और ये एहसन कुरैशी है। एहसन कुरैशी भाई कितने साल हो गए काम कर रहे हो? काम करते करते तो बहुत टाइम हो गया। अच्छा, ये क्या कर रहे हो अभी? टायरिंग कर रहे हैं। अच्छा, कितनी देर लगेगी इसमें? बस देर क्या, आधा घंटा। अच्छा, चेहरा तो दिखाओ ना। वो ये बात है एहसन भाई, तो वीडियो शूट कर लिए मैंने अभी, बाद में आपको दिखाऊंगा। नेट पे डालूंगा ब्लॉग बना रहा हूँ ना, तो पहले अपने जेब में से देखे ना कितने दाने हैं। आपका पर्सनल नंबर चाहिए मुझे। अपनी अम्मी की कसम खा के कहती हूँ, कभी बिना वक्त आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं मोबाइल नुमा चीजों से कुछ दूरी रहना पसंद करता हूँ। अभी ये तैयार हो चुका है सारा, मैंने इसकी पूरी वीडियो आपको भर के दिखाई है, ये अब तैयार हो चुका है, अब ऊपर लगाने की बारी है। और इधर भी काम चल रहा है, लड़के कर रहे हैं सामने ये, ठीक है। तो ये बोर्ड यहाँ पे लगेगा इस जगह पे, यहाँ पे जहाँ मेरा कैमरा है, और ये बोर्ड लगेगा बल्ब के नीचे, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब ये मुकम्मल तैयार हो चुका है, ठीक है। अब देखो कैसे दिखाई दे रहा है, और मैंने जब पहले दिखाया था वे कैसे दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी वीडियो नहीं है, मैं यही काम करता हूँ। किसी भी काम करवाना हो तो मेरे मैसेजर में मेरा नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। कोई भी ये काम भी करते हैं, पेनाफ्लिप लग रहा है बैक लाइट पे। तो ये अभी तैयार हो चुका है बोर्ड, जलने के बाद ऐसे नज़र आ रहा है, क्यों? तो ये लाइटिंग है ना सामने आ रही, सामने लगी हुई लाइटिंग, ये देखो बहुत तेज़, तो ये इसके ऊपर गिर रही है, तो इसकी रोशनी सही से नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो ये अभी ब्लॉक भी यहाँ पर एंड डी एंड होने वाला है, अब ये ऐसे चलेगा है, और ये फिट भी हो चुका है, ये पूरा आप बोर्ड देख सकते हो, ठीक है। तो जो लाइटिंग सही नज़र नहीं आ रही वो ये है, ठीक है, ये नज़र सही नहीं आ रही, क्यों? तो यहाँ की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है ना, तो इसीलिए। तो भाई ब्लॉग जो बनाया है तेरे लिए इतना बड़ा, तो वैसे कोई काम हो तो इस आई डी पे आप मैसेज कर सकते हो। ये एहसन कुरैशी है, वो आसिफ चाचा है, उसको जानते हो, मैंने वीडियो उसकी शूट भी की है, ठीक है। अब देखें आप कैसे लग रहा है, तो आप मुझे बताना। मेहनत है, ये सबकी मेहनत है, हम सबकी मेहनत है ये।
लाइटिंग ऑन नहीं है फिर नाराज नहीं होना, ये फिर भी नजर नहीं आता है कि भाई ये मेरा ठीक है, देखो नजर नहीं आ रहा है बता सही कितने दिन लगे, कितनी मेहनत भाई थी? दो दिन तीन दिन लग गए भाई, सारी अच्छा। की सर्विस की हमने और लाइटिंग लाइटिंग वाइटिंग फिटिंग सब कुछ दो तीन दिन लग गए हमारे। मेहरबानी, अब ये चेक कर सकते हो, ये मैंने बन गया है, हम सब ने मिल के बनाया है, सारी मेहनत हुई है इस पे। ये बहुत वीडियो बड़ी होने वाली है इसलिए मैंने यहीं पे बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगे तो बताना, शूट करूँगा। वैसे ये काम भी मैं यही करता हूँ तो इसका अच्छा व्यू दिखाऊँगा मैं, देखना रिजल्ट अच्छा है कि नहीं। अब रात के 7 हो रहे हैं तो इसलिए भर रहा हूँ। कल भी मैंने भरी थी एक वीडियो, वो भी आज इसमें कनेक्ट करके भेज दूंगा। शरीफ रहोगे तो दुनिया बदनाम करेगी, और बदनाम रहोगे तो दुनिया सलाम करेगी।